नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में आशा करते हैं कि आप अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और पूरे प्रिकॉशन ले रहे होंगे। तो हम आपकी सुरक्षा की कामना करते हुए हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा पदार्थ। इससे पहले हमने दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक पढ़ा था। हमने जाना था कि हमारे डेली लाइफ में विज्ञान का कितना बड़ा योगदान है। पूरे दिन में हम जिन वस्तुओं का, जिन यंत्रों का, जिन भी चीजों का उपयोग करते हैं, वो सभी विज्ञान से बनी है। पर विज्ञान से कैसे बनी है, कभी हमने सोचा कि वो वस्तु बनी कैसे है, क्या है उस वस्तु में? नहीं ना। चलिए, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा पदार्थ। तो पदार्थ की व्यापक अवधारणा को समझने के लिए हमें कुछ आपको दिखाना है, ताकि आप सरल तरीके से उसको समझ पाए। क्योंकि बच्चों को ज्यादातर व्यापक तरीके से पदार्थ को समझने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो आज मैं उसी मुश्किल को आसान करूंगी। बच्चों, हम आज पदार्थ को बहुत ही सरल और बहुत ही रोचक तरीके से समझेंगे और पदार्थ की अवधारणाओं को ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्रयोग करके दिखाती हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ वस्तुओं से घिरे रहते हो, आपके आसपास कोई ना कोई वस्तु होती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने पास और अपने रूम की, और आप अपने रूम में देखेंगे कि आपके आसपास क्या है। ठीक है, तो मेरे आसपास क्या है, पहले हम उसे देख लें। बच्चों, मेरे पास ये एक मार्कर पड़ा है, ठीक है, और ये एक पेन है, एक सिक्का है, मैच बॉक्स है, स्टेपलर है, ठीक है, बहुत है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये पेपर, ब्लैंक पेपर? तो चलिए बच्चों, हम पदार्थ को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। ये है हमारे पास एक ब्लैंक पेपर, ये भी खाली है, आप जैसा कि देख रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर जो स्टेपलर लिया था वो रखती हूं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके इस तरफ की जगह खाली है और इस तरफ की जगह खाली है, थोड़ी इधर खाली है, थोड़ी इधर खाली है। अब हमने इस पे ये मार्कर भी रख दिया। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर जो पूरी जगह खाली थी वो भी थोड़ी सी भर गई, ठीक है। अब हमने ये पेन भी रखा इस पर। ऐसे ही लगातार जितनी भी वस्तुएं थी हमने सारी इसके ऊपर रख दी। अब देखिए इसमें से कितनी जगह खाली है, थोड़ी इधर है, थोड़ी इधर है, थोड़ी इधर है, ठीक है। तो इन वस्तुओं को रखने से क्या हुआ, ये पेपर भर गया। अभी हम इस पर अगर और वस्तुएं रख देंगे तो इस पे जो खाली जगह है वो भी भर जाएगी। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि वस्तुओं का जो आकार है उसकी वजह से ये इस पेपर को ढकती जा रही है, ठीक है। बच्चों, समझ में आया? वस्तुओं के आकार की वजह से ये पेपर हमारा पूरा इन वस्तुओं से कवर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं ने इस पेपर का पूरा स्थान धीमे धीमे कवर कर लिया, ढक लिया। किसकी वजह से ढक गया? इन वस्तुओं की वजह से ढक गया। इस प्रयोग के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वस्तुएं स्थान घेरती हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला प्रयोग।
बच्चों, इन्हीं वस्तुओं में से हम देखते हैं कि क्या इनमें भार है। अब हमने इस मैच बॉक्स को इस पर रख दिया। देखिए बच्चों, ये 6 ग्राम का दिखा रहा है। कितना है इसमें वजन? 6 ग्राम। हम इस पेपर पे लिख लेते हैं, मैच बॉक्स 6 ग्राम। चलिए आप देख सकते हैं, अब हम इस बॉल को रखते हैं। बॉल 100 ग्राम। स्टेपलर 61 ग्राम। फोन स्टैंड 18 ग्राम। कॉइन को रख लेते हैं 6 ग्राम। हम ये ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं 70 ग्राम। ठीक है, देखा बच्चों आपने, इस तरह से हमने देखा कि हर वस्तु में कुछ ना कुछ भार है। तो जब हर वस्तु में, हल्की से हल्की वस्तु में भार है और हर वस्तु स्थान घेर रही है, तो हम अपने 2 निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर वस्तु स्थान घेर रही है और सभी में भार है। क्या निष्कर्ष निकला? ये वस्तु जिन चीजों से बनी है उनमें भार है, और जिन चीजों से ये मिलकर बनी है उसी की वजह से इसको आकार मिला है और उसी की वजह से ये स्थान घेर रही है। तो इसका मतलब, इससे ये अवधारणा स्पष्ट होती है, जो स्थान घेरते हैं और जिनमें भार होता है वो पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि ये हर वस्तु किसी ना किसी पदार्थ से बनी हुई है। अब पदार्थ को आगे समझने के लिए एक और प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास बॉल है, बॉल में हवा भरी हुई है, और अगर हम इस पर रखते हैं तो ये पेपर का स्पेस भी कवर कर रही है, यानी कि स्थान घेर रही है। और ये देखिए कितना स्थान घेर रही है पेपर का, साइड में थोड़ा थोड़ा बचा है। अब देखिए इसी बॉल को हम जब यहां रख देते हैं तो इसका वेट कितना होता है? 16 ग्राम। इसका वेट कितना होता है? 16 ग्राम। अब क्या करेंगे, इसमें क्या भरा हुआ है? हवा। ठीक है, तो अभी ये 16 ग्राम दिखा रही है और स्पेस भी घेर रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें, बच्चों मेरे पास बैलून नहीं है लॉकडाउन की वजह से, वैसे ये प्रयोग बैलून से आराम से हो सकता था, सिंपल तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से हो सकता था, पर बैलून नहीं है घर पर, तो मैंने ये एक बॉल पड़ी हुई थी सॉफ्ट, इसको यूज कर रही हूं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने एक पिन चुभा दी और इसकी एयर निकाल दी। ये निकाल दी। अभी देखिए जब एयर थी इसमें कितना था, इसमें 16 ग्राम वेट था, मैंने लिख लिया है। अब देखिए अब ये कितना स्पेस घेर रही है, अब इस पेपर पर देखिए कितना स्पेस घेर रही है, बहुत कम। ठीक है, यानी कि इसके आकार में भी चेंज हुआ हवा निकलने से, सिर्फ हवा निकलने से आकार में भी चेंज हुआ और पूरा पेपर खाली हो गया। अब हम इसका वेट कर लेते हैं। इसका वेट आया 15 ग्राम, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ। तो वो 1 ग्राम वेट कहाँ गया? वो एयर का निकल गया। तो यानी कि जो हवा होती है उसमें भी वजन होता है और वो भी स्थान घेरती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं
वायु भी एक पदार्थ है, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस प्रयोग के द्वारा मैं यही क्लियर करना चाह रही थी कि बच्चों को ये समझ आए कि वायु भी एक पदार्थ होता है, वह भी स्थान घेरता है और उसमें वजन होता है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पदार्थ की अवस्थाओं की आणविक संरचना की तरफ हम चलते हैं कि पदार्थ जो बना होता है किस चीज से मिलकर बना होता है। तो बच्चों पदार्थ में छोटे छोटे कई अणु होते हैं जिनकी वजह से वो बना होता है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ बच्चों। मेरे पास ये एक बाउल है, इसमें राजमा पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसमें बाउल की तली पूरी भरी हुई है राजमा से। अब हम देखते हैं, इसको हिला के देखते हैं, मूव कराते हैं, तो क्या हो रहा है कि सारे दाने अपनी ही जगह हिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा पा रहे हैं। एक दाना दूसरे दाने की जगह नहीं ले पा रहा है, वो अपने ही जगह पर थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं। अगर मैं इसमें से कुछ दाने निकाल लूं, मैंने कुछ निकाल लिए, अब देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा मूव कर पा रहे हैं, अपनी जगह भी छोड़ रहे हैं और थोड़ा आकार में भी परिवर्तन आ रहा है। देखिए वहां से थोड़े इधर आ गए, जबकि पहले क्या था, वो जैसे के तैसे थे। जैसे मैं इसमें से और निकाल लेती हूँ, अब देखिए अभी और अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, चारों तरफ जा पा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पूरी तरह से इसके आकार में परिवर्तन आ रहा है। मैं दिखाना चाह रही थी इस प्रयोग के माध्यम से कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कण आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, उनमें आकर्षण बल बहुत होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बिल्कुल बंधे हुए होते हैं और गति करने पर जगह नहीं छोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो वो पदार्थ है उसकी कभी शेप नहीं बदलती है, ना ही उसका आयतन बदलता है। जैसे कि मार्कर है, मैं इसको कितना भी मूव कराऊं शेप इसकी वही रहेगी, आयतन भी वही रहेगा। ये पेन है क्योंकि ये ठोस है, ठीक है, लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव में थोड़े अणु दूर दूर होते हैं, उन अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता है, तो उसकी वजह से वो बंधे तो होते हैं पर ज्यादा नहीं, वो थोड़ा इधर उधर मूव कर सकते हैं और उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो ये तो रही द्रव की बात। अब आ जाते हैं हम गैस पर। गैस में क्या हमने देखा था, गैस के अणुओं में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, उनमें आपस में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं। तो ये रही गैस की बात। अब हम इसी को एक और एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। ये देखिए, ये एक प्लेट में तीन बॉल हैं, इनको हमने अणु मान लिया है। अगर हम इनको मूव कराते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से सेट है, अब ये देखिए बिल्कुल नहीं, मैं हिला रही हूं लेकिन ये बिल्कुल अपने प्लेस नहीं छोड़ रही है, ये हिल तो रही है लेकिन मूव नहीं कर रही है, अपनी जगह से नहीं हिल रही है। अब मैंने एक बॉल निकाल दी, अब आप देखिए ये मूव कर पा रही हैं, हाँ बिल्कुल मूव कर पा रही हैं, जगह भी छोड़ रही हैं क्योंकि इनको स्पेस मिल रहा है, अणु थोड़े दूर दूर हो गए। अगर मैं एक बॉल और निकाल दूं तो अब आप देखेंगे जरा ये बॉल कितनी फ्री है, ये फ्रीली मूव कर रही है। गैस के अणु भी हमारे बिल्कुल इसी तरह मूव करते हैं फ्रीली, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, आपके समझ में आया? अच्छा बच्चों, अब हम एक प्रयोग और करते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारे पास एक कैंडल। ये इस कैसा पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है ना, क्योंकि इसका आकार
आयतन निश्चित है। तो इसी वैक्स को, कैंडल को, वैक्स को मैंने इस स्पून में कर रखा है। ये निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है और ये ठोस पदार्थ है। अभी जैसा कि आपको मैंने समझाया कि इसके अणु पास पास हैं और इसको एक निश्चित आकार दे रहे हैं, निश्चित आयतन दे रहे हैं, अणु पास पास हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रयोग के द्वारा हम थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, अब ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ये वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है, ये लिक्विड में चेंज हो रहा है। वैक्स मेल्ट हो रहा है और ये लिक्विड में बदल रहा है, ठोस से द्रव अवस्था में बदल रहा है। ये देखिए द्रव अवस्था होती जा रही है। तो अब ये देखिए, पहले ठोस मूव नहीं कर रहा था, निश्चित आकार था उसका, निश्चित आयतन था। अब ये देखिए, अब चम्मच में ये कहीं भी जा सकता है। ये देखिए स्पून में पूरी तरह से ये इधर उधर जा रहा है। देखिए पूरी तरह से मेल्ट हो गया ये, और ये हम इसको प्लेट में देखिए इसकी शेप दे सकते हैं। ये देखिए ये फैल गया, इसको फैला सकते हैं और शेप दे सकते हैं। तो देखा आपने, अब जब ये द्रव अवस्था में आया तो हमें इसको दूसरी शेप देगी। अब ये ठंडा होकर फिर से ठोस हो जाएगा और इसकी शेप फिर यही रहेगी, फिर से ये निश्चित आकार में आ जाएगा। अब हम एक और प्रयोग करते हैं बच्चों। अब ये है द्रव, हमने ये देखा कि अभी ये इस ग्लास में है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, इसकी द्रव को समझने के लिए ये इसकी शेप ले रहा है। हमने इसमें कलर डाला है, इसकी शेप ले रहा है, इसकी तली को पूरा इसने घेरा हुआ है। अब जब हम इसी द्रव को इस बाउल में पलट देंगे तो देखिए पानी ने इस बाउल की शेप ले ली, यानी कि इसका आयतन तो सेम रहा लेकिन आकार इसने बाउल का ले लिया, आकार इसका बदल गया। अगर हम इसी को इस कप में डाल दें तो अब इसने इस कप की शेप ले ली। देखिए अब हमने इसको कप में पलट दिया तो ये कप की शेप का हो गया। आयतन यानी कि द्रव पदार्थ में आयतन निश्चित रहता है और आकार बदलता रहता है। हम जिस भी बर्तन में उसे डालते हैं उसी बर्तन का वो आकार ले लेता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गैस के लिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी लेंगे, पानी आपको दिख रहा है स्पून में। अब हम इसको थोड़ा गर्म करेंगे कैंडल से। अभी ये द्रव पदार्थ है, पानी है, इसके अणु ठोस से थोड़े दूर दूर हैं। ये देखिए गर्म हो गया है और धीमे धीमे ये सारा पानी भाप में बदल जाएगा, क्योंकि अणु इसके गर्म होने से दूर दूर हो रहे हैं और वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। अणु इसके दूर दूर होते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये भाप बनकर उड़ गया, सारा पानी धीमे धीमे भाप बनकर उड़ रहा है। अब देखिए जरा, देखिए पूरी स्पून खाली हो गई है, सारा पानी जलकर भाप बन गया। ये देखिए पूरी स्पून खाली, ठीक है। तो ये हमने देखा पानी यानी कि द्रव, जब हमने इसे गर्म किया तो उसके अणु दूर दूर हो गए, उनके बीच में आपस में कोई भी आकर्षण बल नहीं रहा जिसकी वजह से सारे अणु बिखर गए और अपनी जगह छोड़कर वो
भाप बनकर उड़ गए और पूरा पानी भाप बन गया। देखा आपने, तो ये तो रहा गैस का, यानी कि गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपना स्थान छोड़ने लगते हैं और वो कहीं भी मूव कर पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने पदार्थ की कितनी अवधारणाएं क्लियर की, जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है वो पदार्थ कहलाते हैं। हवा भी एक पदार्थ है क्योंकि वो भी स्थान घेरती है और उसमें भी भार होता है। हमने एक प्रयोग के माध्यम से वो सिद्ध किया और हमने क्या निष्कर्ष निकाला, पदार्थ हमेशा तीन भौतिक अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। या तो पदार्थ ठोस होगा इस तरह, या तो द्रव होगा, और या हवा की तरह गैस होगा। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वो गति करते वक्त अपनी जगह नहीं छोड़ पाते हैं और वहीं की वहीं मूव करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित रहता है। द्रव में अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके अणु दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मूव कर पाते हैं, अपनी जगह छोड़ पाते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। गैस में स्थिति बहुत अलग होती है, उसमें आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है अणुओं के बीच में, और अणु एक जगह से दूसरे स्थान पर फ्रीली मूव कर सकते हैं और पूरी तरह से स्वच्छंद होते हैं। तो ये तो रहे हमारे पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं। तो बच्चों अब मैं आपको आज का कार्य बता रही हूँ, क्या करना है। आप जिस कमरे में बैठे हो, आपको सबसे पहले जैसे मैंने अपने पास की वस्तुएं देखी, वैसे ही आपको अपने आसपास की सभी वस्तुओं को एकत्रित करना है, जैसे पेन, पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, जो कुछ भी आपके आसपास है पहले सारी चीजें एकत्रित कर लीजिए। फिर मैंने जैसे यहाँ पर तीन कॉलम बनाए हुए हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब अगर आपको समझ में आ गया है, जिस तरह से मैंने समझाया आपको समझ में आ गया है, तो वस्तुएं आपने एकत्रित की हैं, उसमें से वस्तुएं छांट छांट के जो ठोस के अंदर आती हैं आप ठोस के नीचे लिखते जाइए, द्रव के अंतर्गत आती हैं वो द्रव के अंतर्गत लिखते जाइए, गैस के अंतर्गत आती हैं तो वो इस लिस्ट में लिखते जाइए। तो ये तो है आपका कार्य, ये अपने आसपास की वस्तुओं से ही आपको करना है। दूसरा कार्य है, मैंने कुछ शेप्स बनाई हुई हैं अणुओं की, ये अणु कुछ ये सबसे दूर हैं, ये थोड़े पास हैं, ये बहुत पास हैं। इनको देखकर आपको इनके प्रकार लिखने हैं, ये अवस्थाएं हैं पदार्थ की तीन तरह की, आपको इन अणुओं की शेप देखकर उनके नाम लिखने हैं, उन अवस्थाओं के नाम लिखने हैं। तीसरा काम है आपका बच्चों, मैंने एक पेड़ बनाया हुआ है पदार्थ का, उसमें तीन शाखाएं दी हैं, ठोस, द्रव और गैस। आपको क्या करना है, ये जो पत्तियां खाली दिख रही हैं उनमें आपको क्या करना है, पौधों से प्राप्त होने वाले ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों के नाम इन पत्तियों में लिखने हैं। जो खाली पत्तियां पड़ी हैं उनमें पौधों से प्राप्त होने वाले ठोस, जहां ठोस की शाखा है वहां ठोस पदार्थों के नाम लिखने हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, द्रव वाली शाखा में आपको द्रव पदार्थ लिखने हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, और गैस वाली शाखा में आपको गैस के पदार्थ लिखने हैं जो आपको सिर्फ पौधों से प्राप्त होते हैं, आपको इधर उधर से नहीं, सिर्फ पौधों से जो मिलते हो वही पदार्थों के नाम लिखने हैं ठोस, द्रव और गैस की शाखाओं में, और बाकी की पत्तियों को आपको अच्छे से कलर करना है और इस पेड़ को ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, कलरफुल करके दिखाना है। तो ये है बच्चों आज का काम। तो बच्चों समझ में आया आपको पदार्थ, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अब अच्छे से पदार्थ को समझ पाएंगे और अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। तो इस तरह से हमने पदार्थ को पढ़ा। ये तो रही करके सीखने
की पद्धति जिससे हमने पदार्थ को आज सीखा। अब मेरे पास एक पद्धति और है, क्योंकि हम विज्ञान को कई तरीकों से सीख सकते हैं, कई माध्यम है विज्ञान को पढ़ने के, गाकर, करके सीखना, देखकर सीखना, सुनकर सीखना, पहेलियों के माध्यम से। तो मैं काव्य के माध्यम से पदार्थ को आपको सिखाना चाह रही हूं। काव्य के माध्यम से विज्ञान एक बहुत ही अलग तरीका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चे इसमें बोर नहीं होते हैं, जैसे कि करके सीखना बच्चा बहुत जल्दी सीखता है क्योंकि वो खुद करता है। विज्ञान की एक बहुत ही रोचक पद्धति है करके सीखना, और वो ज्ञान उसका बहुत स्थिर रहता है क्योंकि वो करके सीख रहा है, खुद कर रहा है, उसको समझ में आता है। तो इससे पहले हमने पदार्थ को करके सीखा, अब हम पदार्थ को काव्य के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत ही रोचक तरीका है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैंने इस पर एक कविता लिखी है, सुनिए जरा। जब कोई स्थान है घेरे, जब कोई स्थान है घेरे, फिर वो थोड़ा भार भी ले ले। ध्यान से सुनिए, जब कोई स्थान है घेरे फिर वह थोड़ा भार भी ले ले। पता है बच्चों क्या तुमको ये, पता है बच्चों क्या तुमको ये, विज्ञान उसको पदार्थ है बोले। पता है बच्चों क्या तुमको ये, विज्ञान उसको पदार्थ है बोले। जब कोई स्थान घेरे फिर वह थोड़ा भार भी ले ले। पता है तुमको क्या बच्चों ये, विज्ञान उसको पदार्थ ही बोले। आगे, जब पदार्थ के अणुओं को नहीं मिलता हिलने डुलने को, जब पदार्थ के अणुओं को नहीं मिलता हिलने डुलने को, आकर्षण बल से बंधे रहते सदा एक से दिखते रहते, आकर्षण बल से बंधे रहते सदा एक से दिखते रहते। जैसे ईंट पत्थर आदि उदाहरण है इसके, जैसे ईंट पत्थर आदि उदाहरण है इसके, निश्चित आकार आयतन हमेशा होते ठोस के। जैसे ईंट और पत्थर आदि उदाहरण है इसके, निश्चित आकार आयतन हमेशा होते ठोस के। अब आगे बढ़ते हैं, जब पदार्थ के अणुओं को थोड़ा विस्तार से मिलता रहने को, जब पदार्थ के अणुओं को थोड़ा विस्तार से मिलता रहने को, आकर्षण बल कम होने से ये दिखते वैसे चाहे हम जैसे, आकर्षण बल कम होने से ये दिखते वैसे चाहे हम जैसे। जैसे पानी जैसे दूध इत्यादि उदाहरण हैं इसके, जैसे पानी जैसे दूध इत्यादि उदाहरण हैं इसके, अनिश्चित आकार और निश्चित आयतन होते हमेशा है द्रव के। जैसे पानी जैसे दूध इत्यादि उदाहरण हैं इसके, अनिश्चित आकार निश्चित आयतन होते हमेशा है द्रव के। समझ में आई बात? जैसे पानी जैसे दूध इत्यादि उदाहरण हैं इसके, अनिश्चित आकार निश्चित आयतन होते हमेशा है द्रव के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पदार्थ के अणुओं को खुलकर मिलता उड़ने को, जब पदार्थ के अणुओं को खुलकर मिलता उड़ने को, आकर्षण बल का नाम नहीं जब, आकर्षण बल का
नाम नहीं जब, कहां गए अड़ु पता नहीं अब, आकर्षण पल का नाम नहीं अब, पता नहीं अड़ु कहां गए अब। ना कोई आकार है निश्चित, ना निश्चित आयतन है इसके, चाहे हवा हो चाहे धुआं हो, सब हैं उदाहरण गैस के। ना कोई आकार है निश्चित, ना निश्चित आयतन है इसके, ना कोई आकार है निश्चित, ना निश्चित आयतन है इसके, चाहे हवा हो चाहे धुआं हो, सब हैं उदाहरण गैस के। समझ आया? आगे, जब भी बात पदार्थ की होती, जब भी बात पदार्थ की होती, विज्ञान की सभी व्यवस्था कहती, जब भी बात पदार्थ की होती, विज्ञान की सभी व्यवस्था कहती, ठोस द्रव और गैस उसकी भौतिक तीन अवस्था होती, जब भी बात पदार्थ की होती, विज्ञान की सभी व्यवस्था कहती, ठोस द्रव और गैस उसकी भौतिक तीन अवस्था होती, भौतिक तीन अवस्था होती। तो ये था बच्चों पदार्थ पर मेरी कविता, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप पदार्थ पर कोई कविता लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा और मुझे भेजिएगा, मैंने पदार्थ को आप तक बहुत सरल माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।